तो गाइस अब होने वाला है सापा प्रतियोगिता जिसमें फॉरेनर्स पार्टिसिपेट करेंगे, इनके सापा बांधा जाएगा और इनके जो पार्टनर हैं इनके सापा बांधेंगे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो रही है पुष्कर मेला ग्राउंड के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इनको सबको केसरिया रंग का सापा दे दिया गया है, सबको अलग अलग चुनरी का सापा दे दिया। अभी जो इनके पार्टनर है वो इनके सापा बांधेंगे और ये प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं इस कंपटीशन में कौन जीतता है। तो गाइस ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं पुष्कर मेले के अंदर, मेला ग्राउंड है वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आज पुष्कर मेले को 5वां दिन है। तो गाइस हमारी वीडियो कैसे लग रही है जरूर यार सपोर्ट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो पहले इनको डेमो बताया जा रहा है, डेमो बता के फिर कंपटीशन शुरू होगा। तो जो जल्दी सापा बांधेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। भैया इधर दिखा के एक बार ना, इनको भी बोलिए। तो कुछ इस तरीके से सापा बांधा जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है और सापा बांधने के बाद में तिलक लगाया जाएगा, मौली बांधनी पड़ेगी हाथ में, ये कर देगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। तो गाइस ये सापा प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और यहाँ पे देखो फॉरेनर्स के सापा वगैरह बांधा जा रहा है। ये देखो तो ये पहले विनर है, सेकंड विनर। तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, शूट नहीं कर पा रहे हैं और ये फर्स्ट विनर हो चुके हैं। और ये यार बहुत पुश कर रहा था, ये बहुत बदतमीज फॉरेनर है। Yeah, we won. So how do you feel now? It took a lot of days to make it, but in the end we won. You know. From Belgium. Belgium. Yeah. So you win this competition? Oh, quasi, but no. Okay. Next time we train next more. Next time. It was the first time she was doing it, so. Second time. Came 5 years so ago. So how do you feel now to come to? I love it. Love it. Yeah, I was waiting for 5 years to come back, and finally I came back. Okay. So I'm really happy. Oh, welcome to Rajasthan. Thank you. Third, Nita and May from Lines to Third. Yeah. Nita and May from Lines. So first prize given to Tara from Israel. Wow. ये था सापा प्रतियोगिता, आपने देखी होगी यार इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतने सारे मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर्स इतने हैं कि शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसे भीड़ है, धक्का मुक्की करे। एक फॉरेनर था यार वो तो ऐसे लड़ने लग गया मुझसे यार, मैंने उसको बोला डोंट पुश मी, फिर भी पुश कराया जा रहा है यार। तो वो बहुत ही बेकार आदमी था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, देखना आप। तो यार है ना बहुत मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने। बस क्या है थोड़ा प्रशासन क्या होता है, जो VIPs लोग होते हैं ना उनके लिए काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, लेकिन हम जैसे लोग आते हैं और जो आम पब्लिक आती है उनके लिए तो है ना दूर से आप देख लो। अभी जैसे अभी मोहित चौहान आने वाला है तो उस समय भी क्या है कि यहाँ खड़े होकर मुझे वहाँ शूट करना पड़ेगा, तो एंट्री मिल नहीं रही है, पता नहीं क्या है। VIPs की एंट्री है, जो फैमिलीज हैं VIPs की वो ही आगे जाके देखेगी। तो यार पता नहीं कैसे शूट होगा, मुझे नहीं पता। तो आप थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा हम भी
अच्छे खासे यूट्यूबर बन जाए ताकि लोग हमें जानने पहचान लग जाए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं जानेगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।